कितना अंदर आ गए और कितना हो गए? चलो बैठो। थैंक यू सर। लो रिज्यूम दो अपना। लो सर ये हमारा रिज्यूम। ये किस तरीके का रिज्यूम है? ऐसे गोल गोल घूम देता है। सर वो कैसे देते हैं? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा रिज्यूम देते कैसे हैं। तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ रिज्यूम कैसे देते हैं। देखो इस तरीके से, इस तरीके से लो सर रिज्यूम, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, अपने बारे में बताइए। माय नेम इज अरुण कुमार। मेरा है, मेरा है। यहाँ आ गया। बिल्कुल लेना आता है झूठा अपने बारे में। चलो सर मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैं 10 बजे तक पढ़ा हूँ। 10 बजे? 10 बजे क्यों? 10 बजे कौन सा स्कूल होता है? 7 बजे मम्मी आती थी और 10 बजे दोस्तों के साथ खत चले आता था। तो मैं तुम्हारे घरवाले झेलते कैसे हैं फिर? सबका अपना अपना टैलेंट है। चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है? तुम्हें जवाब देना। जी सर, जो पूछना पूछिए, दिल खोल के पूछिए। अबे यहाँ मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई केबीसी नहीं खेल रहा। तू कौन बनाया करोड़पति? तू सवाल जवाब देगा करोड़पति बन जाएगा। छुट्टा जो पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब दे। अच्छा तो ये बताओ जिस बस से तुम आए हो उस बस का कलर कैसा था? सर पता नहीं, मैं तो बाइक से आया था। ले भैया छाती चढ़ा के ले जाएगा बाइक को। अच्छा ये बताओ तुमने लिखा है तुम्हारी हॉबीज है लिसनिंग म्यूजिक, कौन सा गाना सुनते हो? अरे भाई तुम जलेबी पसंद है, तलवाई के दुकान पे काम कर लेता। यहाँ क्यों आया है? आ जाते हैं कहाँ कहाँ से इंटरव्यू देने। तो इधर छोड़ो, अच्छे से करो। आप ये देख के दिखाओ। सर ये तो बिक नहीं सकता। क्यों? ये तो बहुत पुराना है। अरे मान लो, अब देख के दिखाओ। अब भी नहीं बिक सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका है। अरे यार मान ली, बिकने के लिए चीज बनी हुई है, अब कैसे बिकेगा? अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बिक सकता। अब क्यों बिक सकता? क्योंकि इसका रैपर ही नहीं है तो पुराना लग रहा है। अरे यार, अरे मान लो देखना है बस किसी भी तरीके से, तो देखो उसे। सर आप एक काम करो, 10 रुपए मेरे से ले लो, आप मुझे दे दो इसे। दसवीं चीज लग रही है, लो मेरी चीज। आजाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, मूड खराब कर दिया। उनसे ही देखने वाला काम देखो होगा नहीं, ठीक है? और हमारे सेल्स वाली लड़ होती है। तो तुम ये बताओ तुम ये नौकरी करना क्यों चाहते हो? सर बहुत बड़ी मजबूरी है मेरी, गर्लफ्रेंड के चक्कर है सर, गर्लफ्रेंड का, उसको घुमाने के पैसे चाहिए, उसको शॉपिंग कराने के, पीने से खाती तो 500 रुपए का हो जाता है वो। सर बहुत बड़ी मजबूरी में हूँ मैं, उस लड़की के चक्कर में मैंने अपने घर की 4-4 भैंस बेच दी है, और उस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी साइकिल बेच दी और बाइक बेच दी, और क्या मैम उसके शॉपिंग के खर्चे, उसको घुमाने के खर्चे, वो पिज्जा खा लेते तो पूरे 500 खर्चा बैठ जाता सर। मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? और घर वालों ने धमकी दे दी है तो यहाँ से निकल, तेरा कोई काम नहीं। अब बताओ सर मैं क्या करूँ, इतनी मजबूरी है मेरी, बस थोड़ी सी एक जॉब भी तो चाहिए, आप दे देते तो मेरा बहुत भला हो जाता। सर क्या बताऊँ मैं, अब जो मैंने 4 भैंस बेची है उनकी बच्चियां भी मेरे को गाली बकती हैं, और जब मैं घर में घुस जाता हूँ कुत्ता भी मेरे को भोंकता है बहुत ज्यादा, वो ही पहचानने से इनकार कर देता है कि ये कौन आ गया घर में। अब क्या बताऊं सर, इतनी मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं सर, बहुत परेशान हूं। बस कर मेरे भाई, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, बुलाया क्या? चल
सैलरी की बात कर ले तो सर मैं जॉब पक्की समझो। हाँ मेरे भाई तुम्हारी जॉब पक्की है क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे ही किया था, बहुत खर्चे कराती थी बहुत, घर वालों ने निकाल दिया था मुझे बाहर। अब बताओ सैलरी कितने लोगे? सर यही बस थोड़े से 50-60 करोड़ रुपए दे दो बस। 50-60 करोड़ तो नहीं पर 5,000 महीने के मिल सकते हैं, बताओ करोगे? डन सर, डन 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 सर, डन है। ठीक है सर, कल चल जाना। ओके सर।